बरगद के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी एगो दंपत्ति रहत रहसन। ओकनी के नया नया शादी भइल रहे। चिड़िया पेट से रहे, दोनों हंसी खुशी आपन जिंदगी जियत रहसन। ओही पेड़ पर एगो बाज रहत रहे, जेकर एगो पर ता सही रहे, लेकिन कोनो वजह से ओकर दूसर पर कट गइल रहे। कैसन बारू चिड़िया रानी, कहीं घूमे जाता रह का दोनों जने? बढ़िया बा। बाज, हम तारा से कितना बार कहनी कि कोई कहीं जाए तो करा टोकल मत करा, काहे कि टोक देहला से काम बिगड़ जाला। अरे बाज भैया, तारा करे के काबा, हमनी के कहीं भी जाई जा, तू तो इहे पेड़ पर बैठल रहेला, ना कहीं आवेला ना कहीं जाएला, तहार भरण पोषण भी तो हमनी के ही करे के पड़ेला। हम तो इसे ही पूछ लेनी है, काहे कि तू दोनों तैयार होके जाता रह और ये बहुत बढ़िया लागत आरा, भगवान तहार जोड़ी ऐसा ने बनावले राखस। शुक्रिया, पर तहार जोड़ी तो कबो ना बन सकेला, कहे जे तहार तो एगो पर ही नहीं खे। चिड़ा चिड़िया ओकरा से एही तरह बात करत रहसन, क्योंकि पेड़ पर केहू और के ना होए के वजह से ऊ दोनों के ही कुछ ना कुछ खाए के देवे के पड़त रहे। एक दिन के बात है, चिड़िया सेब खात रहे। अरे वाह, मजा ही आ गई, हमार स्वामी न जाने कौन पेड़ से ही सेब तोड़ के ले आइल बाड़न, एकर तो स्वाद ही निराला बा। चिड़िया रानी का खाता रू हो, हमरा भी बहुत तेज भूख लागल बा, तनी सा हमरो दे दा। ई बाज के नजर तो हमेशा हमार खाना पे ही रहेला, एकरा नहीं के पता कि हम पेट से बानी, हमेशा हमार खाना के नजर लगावत रहेला। का भाई, आज कुछ बनाइलू ना का? लावत आनी, रुको। चिड़िया रात के खाना बाज खातिर लेके गई। जैसे ही बाज उ खाना के खाए लागल, उ समझ गई कि ये रात के खाना है। चिड़िया, इतर रात वाला बचल बा, आज कुछ ताजा ना बनावलू का? जौन हा इहे हा, खाइबा ता खा ना ता राम राम। तू रोज रात वाला माचल हमके दे देवेलू, और ई तू रोज कुछ ना कुछ अच्छा खात रहेलू, आज हमरो कुछ अच्छा खाए के मन करता, हमरो कुछ खाए के दा ना। खुद ता ई पेड़ पर बैठल रहत रहत हमार दिमाग खात रहेला, कहीं उड़ के जा ना सकेला, बस इहे पेड़ पर तहार दिन बीतेला, जौन खाए खातिर मिलेला ओकरा में भी तहार नखरा रहेला। अरे हमार पति दिन रात मेहनत करके खाना लेके आवेलन, और तू चाहेला कि हम खाना तहरा के दे दीही, जौन मिलेला ओकरा के खाला। बाज चुपचाप उहे बासी खाना खा लेलस। रोज ओकरा चिड़िया से कड़वा कड़वा बात सुने के मिलत रहे, पर वो कर भी का सकत रहे, वो उड़ ना सकत रहे, यही कारण वो अपन खाना के इंतजाम भी ना कर सकत रहे। यही वजह से वो चिड़िया के कड़वा कड़वा बात चुपचाप सुन लेत रहे और कुछ बोल ना पावत रहे। हे परमात्मा, तू अगर हमके जिंदगी देले बाड़ा तो ढंग के काहे ना दिला, हमरा जियला के का फायदा जब हम कोई के काम नहीं खिया सकत, हम बोझ बन गेल बानी, यहाँ ही पेड़ पर ऐसा ही कोनो पक्षी ना रहे आवेले, और जे आवेला ओकरा हमके खाना खियावे के पड़ेला। एक आध दिन के बात होके तो ठीक बा, का हमार जीवन ऐसा ही बीती, तू हमके दोनों पंख सही काहे ना देला, काश हम उड़ सकती, आसमान से बात कर सकती, और ही मनचाह खाना खा सकती, कम से कम कौनो के दिल ते ना दुखाती। बाज एही तरह अपना आप के कोसत रहे, तभी ओकर नजर पेड़ के लगे एगो सांप पे पड़ल। सांप लालच वाला नजर से ऊपर के तरफ देखत रहे। ई चिड़ाई द पेड़ से बा, कुछ ही दिन में ही अपन अंडा दी, तब हम एक अंडा के खा जाई, बहुत दिन हो गई कौनो चिड़ाई के अंडा खाईला। सांप के बात बाज सुन लेलस। कुछ दिन के बाद चिड़िया दूगो अंडा देलस। चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत खुश होखलसन। एक दिन चिड़िया के तबियत खराब हो गई, त चिड़ा ओकरा के डॉक्टर के लगे लेके गई। बाज, तू ऐसे तो कौनो काम के ना हवे, लेकिन जब तक हम चिड़ाई के डॉक्टर से दिखा के लेके आवत आनी, हमर अंडा के ध्यान रखी है। तू बेफिक्र होके चिड़ाई के लेके जा, तहर अंडा के जिम्मेदारी हमार बा। दोनों
उड़ गई लसन और अंडा उहे में रह गई लसन। सांप इहे मौका के तलाश में रहे। अच्छा तो चिड़ैया दू गो अंडा दे ले बिया, अब तो हम भर पेट खाना खाईब। अब ये अंडा के अपन आहार बनावता नहीं, लेकिन ये बजवा यहाँ बैठल बा। अरे ये बाज का कर ली है, एकर तो पंख काम ना करेला, एकरे ऊपर चिड़ई अंडा के छोड़ के गई बा। कितना मूर्ख बा। सांप पेड़ के ऊपर चढ़त रहे तब बाज ओकरा के देख लेलस। जहाँ पर बारे वहीं रुक जो सांप, खबरदार जे ऊपर आवे के कोशिश कईले। ई हमरा कौन खबरदार करता। या पाहिज बाज जे खुद उड़ भी नहीं के सकत। अगर तू एक को कदम आगे बढ़ाई ले तो तहरा खातिर अच्छा ना होई। ई चिड़ैया के दुन्नू अंडा हम खाई, देखा तनी हमरा के रोकी। चिड़ई के अंडा के पास पहुँचे के पहले तहरा हमरा से मुकाबला करे के होई। हाँ अच्छा तो तू हमसे मुकाबला करबे। सांप बाज के फिक्र कैला बिना पेड़ पर चढ़ गई, पर जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचलस तब बाज उकरा के अपन पंजा से दबोच लेलस और इतना तेज दबोचलस कि वो अपना आप के छोड़ा ही ना पौलस। इतना में चिड़ा और चिड़िया वहाँ आ गई लसन। इस सांप यहाँ कैसे आ गई? हमर बच्चा तो ठीक बाड़ा सन ना। चिड़िया अपन अंडा के संभाला, हम इस सांप के संभाला तानी। जल्दी जा, इतार अंडा के खाया इल बा। चिड़ा भी बाज के साथे मिल गई और सांप के दबोच लेलस। सांप घायल होके उहवा से अपन जान बचा के भाग गई। चिड़िया ये सब देख के बहुत खुश हो गई कि बाज के वजह से ओकर बच्चन के जान बच गई। बाज भैया तू आज हमार बच्चन के जान बचौला, हम तो न जाने तहरा के काका कहत रही, और तू अपन जान पर खेल के सांप से लड़के हमार दोनों बच्चन के जान बचौला। हम तहार एहसान कबो न भुला सके नी। बाज भैया हमके माफ कर दा, हमनी के कड़वी बात से ना जानी तहार कितना दिल दुखाइल होई। हमनी के तहरा के कौनो काम के ना समझत रही, लेकिन फिर भी तू हमार मदद कईला। अरे तो हमार फर्ज रहे। अब चिड़ा चिड़िया दोनों बाज के बहुत ध्यान रखत रहसन और हमेशा ओकरा साथ प्यार से बात करत रहसन। तीनों हंसी खुशी बरगद के पेड़ पर रहत रहसन।